नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस के 5 डिब्बे, राहत और बचाव का काम जारी। चार साल बाद एनडीए के साथ जेडीयू, पार्टी की बैठक में फैसला। शरद यादव ने लगाई जन अदालत, कहा जनता तय करेगी भविष्य। एआईएडीएमके के गुटों में टला विलय, पनीर सेल्वम ने कहा एक दो दिन में होगा फैसला, शर्तों पर बातचीत जारी। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, बिहार के 19 जिलों में 164 की मौत। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 28 अगस्त तक बहाल होंगी पूर्वोत्तर के लिए रेल सेवाएं। फंसे कर्ज से निपटने के लिए बैंकों को मिलेगी अतिरिक्त पूंजी, आरबीआई की सरकार से बातचीत जारी। वित्त मंत्री ने कहा कारोबार को बचाना दिवालिया कानून का मकसद। और शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में अब से कुछ ही देर पहले एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। खतौली के पास पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के वक्त ट्रेन उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही थी। घटना शाम 5:50 के आसपास हुई है। ट्रेन दुर्घटना इतनी खतरनाक हुई कि ट्रेन के कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। खबरों में कहा जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले कुछ लोग भी आए हैं। फिलहाल दुर्घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव काम में जुट गया है। मेरठ से भी राहत और बचाव दल मौके पर रवाना हो गए हैं। पुरी उत्कल एक्सप्रेस आज निर्धारित समय से कुछ ही घंटे की देरी से चल रही थी। इस ट्रेन का हरिद्वार पहुँचने का जो वक्त था वो रात के 9 बजे है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर शोक जताया है और घायलों को तुरंत उपचार मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। अभी बहुत जो प्रारंभिक सूचना हेडक्वार्टर्स में पहुंची है उसके हिसाब से ये घटना जो है आज शाम को लगभग 5:50 पे हुई है। रेलवे के हिसाब से घटना नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में हुई है, मेरठ सहारनपुर सेक्शन है और खतौली स्टेशन उत्तर प्रदेश का जो है उसके पास ही घटना हुई है। ट्रेन है 18477 पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस जो वाया दिल्ली होके जाती है। इस ट्रेन के 5 डिब्बे जो हैं पटरी से उतरे हैं खतौली स्टेशन के पास, एडवांस सिग्नल स्टार्टर के पास। तो अभी कुछ डिब्बों के उतरने की वजह से कुछ घायलों के साथ कुछ घायल हो सकते हैं लोग, अभी उस विषय पे पूरी पुष्ट जानकारी नहीं आई है। अभी हमारा फोकस है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचाना। हमने अपने तंत्र को मोबिलाइज किया है, दिल्ली डिवीजन के अधिकारी वहां रश कर रहे हैं, नियरेस्ट स्टेशन के लोग स्टाफ वहां पहुंच ही गया है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम उनको राहत पहुंचाएं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पे प्रारंभ करें। तो पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भीषण हादसे की तस्वीरें हैं। तकरीबन 6:45 आज यह हादसा हुआ है। रेलवे प्रवक्ता का बयान आपने सुना, राहत और बचाव काम में इस वक्त फोकस है, लेकिन साथ ही साथ जानकारी भी जुटाई जा रही है कि ये हादसा दरअसल कैसे हुआ। घायलों की स्थिति, हताहत होने वालों की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरें हादसे की भयावहता को बयां कर रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से अभी खबर आई है कि तकरीबन 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है नजदीकी अस्पतालों में। मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। पुरी से हरिद्वार ये ट्रेन जा रही थी जो कि वाया दिल्ली जाती है, और जब ये खतौली रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो यह हादसा हुआ। तकरीबन 6:45 की बात है जब यह हादसा हुआ।
घायलों को उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। इस दुर्घटना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात बिहार की। बिहार में 4 साल बाद एक बार फिर जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव पास किया गया। दूसरी तरफ शरद यादव ने जन अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया और मुख्यमंत्री पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। इस बीच दोनों पक्षों के समर्थकों में भिड़ंत भी देखने को मिली। जेडीयू में जारी अंतर्कलह के बीच शनिवार को जहां एक और नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, तो वहीं शरद यादव ने जन अदालत बुलाई। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष ने बैठक में उन कारणों को बताया जिस वजह से जेडीयू को महागठबंधन से अलग होना पड़ा। साथ ही पार्टी ने शरद यादव को लेकर स्थिति भी साफ की। मुझे अपने पार्टी के वरीय नेता रहे हैं शरद यादव की, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उनके लिए तो और जनता दल यू तो जहां रहती है जिसके साथ उसी की जीत होती है। वो हमारे भी किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि जिन आदर्शों के लिए, जिन मूल्यों के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी, वो शरद यादव जी के सारे मूल्य मानता 27 तारीख को दफन हो जाएंगे पटना के गांधी मैदान में लालू जी के साथ जब वो गलबैया लेंगे। दूसरी तरफ पार्टी की विचारधारा से अलग राह पर चल रहे शरद यादव के समर्थकों ने पटना में जन अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शरद यादव ने कहा कि वो किसी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि बिहार की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में जनता ने राज्य की बागडोर महागठबंधन को सौंपी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। हजारों एमएलए बनाए, सैकड़ों एमपी बनाए, कोई परवाह नहीं, कौन साफ है कौन नहीं है, कोई राह बदल लिया, लेकिन हम तो राह नहीं बदले। आने वाली जनता तय करेगी किस किसकी राह ठीक है, किसका रास्ता ठीक है। शरद यादव ने साफ किया कि वो अब भी महागठबंधन के साथ हैं। वहीं पार्टी नेता केसी त्यागी ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जेडीयू में विभाजन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्य इकाइयां नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं। इस सारे प्रकरण के बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार और शरद यादव के समर्थकों में झड़प भी हुई। नीतीश कुमार ने पिछले महीने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गठजोड़ बनाया था और राज्य में नई सरकार का गठन किया था। उसके बाद से ही शरद यादव समेत पार्टी के कुछ नेता इस फैसले से नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पटना जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जो बैठक बुलाई है पटना में, वो पार्टी के बजाय बीजेपी की बैठक थी, इसीलिए एनडीए के साथ जाने का फैसला हुआ। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने मिलकर घोटाला किया है, इसलिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू में अंतर्कलह के मसले पर उन्होंने कहा कि पार्टी पर शरद यादव का ही अधिकार है। देश भर का जदयू यूनिट जितना है शरद यादव के साथ है। शरद यादव ओरिजिनल नेता है, जदयू के संस्थापक हैं। नीतीश कुमार तो समता पार्टी बनाए थे, आप भाग करके इनका मसाल चुनाव चिन्ह था, जाकर वहां ज्वाइन किए थे, वहां मर्ज किए। तो ग्रैंड फादर तो शरद यादव है, अब वो शरद यादव निकले हैं और काफी रिस्पॉन्स है जदयू के लोगों में, वहां पो की स्थिति है, साथ है। ये तो सरकारी पार्टी हो गए पट्टू राम नीतीश कुमार। अन्ना द्रमुक के दोनों धड़ों में विलय का फैसला फिलहाल टल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने आज कहा कि एक दो दिन में सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। दोनों गुट विलय के तौर तरीकों पर अलग अलग चर्चा कर रहे हैं।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने शनिवार को अपने गुट के नेताओं के साथ बैठक की। इससे अन्नाद्रमुक के दूसरे गुट से विलय के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का जल्द ही सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। शुक्रवार को पनीर सेल्वम और मुख्यमंत्री के पलनीसामी के धड़ों में विलय का औपचारिक ऐलान हुआ था। इसे लेकर दोनों धड़ों की अलग अलग बैठकें भी हुई, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर दोनों धड़ों में मतभेद उभर कर आए। इस बीच मुख्यमंत्री शनिवार को तिरुवरूर और तंजावुर जिलों के दौरों पर निकल गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पार्टी सुप्रीमो जयललिता की मौत की वजहों की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान किया था। जयललिता के घर पोएस गार्डन को स्मारक में तब्दील करने का फैसला किया गया था। पनीर सेल्वम गुट लंबे वक्त से दोनों मांगे कर रहा था। इसके बाद विलय की चर्चाएं तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लंबी अवधि तक सत्ता में बने रहने के भाव के साथ काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 5 या 10 साल नहीं बल्कि 50 साल के लिए सत्ता में आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में ये भाव रहना चाहिए, इसी से जिम्मेदारी का एहसास होगा और देश में परिवर्तन नजर आएगा। भोपाल में पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों और पदाधिकारियों समेत बीजेपी सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जी जान से जनता के लिए काम करना होगा। प्रवास का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विस्तार का आयोजन करना और भारतीय जनता पार्टी की बूथ तक के संगठन को चुनाव की दृष्टि से तैयार करना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मैं भी भारत में विशाखापट्टनम जिले की आरकू घाटी के आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में आज हम एक और आदिवासी समूह से मिलने पहुंचे हैं। इस आदिम जनजाति समूह का नाम है परंग पोरजा। जिन वचनों से इन आदिवासियों को आदिम जनजाति यानी के PVTG की श्रेणी में रखा है, वो वजह आज भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों में फंसे कर्ज से निपटने की प्रक्रिया में कारोबार का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में ये बात कही। वहीं RBI गवर्नर ने कहा कि बैंकों में नई पूंजी की जरूरत है और इस पर बात चल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को मुंबई में दिवालिया प्रक्रिया पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नए दिवालिया कानून को लेकर शंकाओं को खारिज किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मकसद कारोबार को बचाना है, न कि उसे खत्म करना। उन्होंने डूबे कर्ज की समस्या तेजी से निपटाने पर जोर दिया। Now the reasons for insolvency could be many. It could be business losses because of a particular sector of the economy or some company getting into difficulty. It could be a case of mismanagement. It could also be a case of deliberate mismanagement, including some malfeasance on behalf of the promoters. सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने बैंकों में नई पूंजी डालने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कर्ज समस्या का प्रभावी समाधान निकलेगा। RBI गवर्नर ने कहा कि इस मसले पर सरकार से बात चल रही है और विस्तृत योजना पर काम भी चल रहा है। इट इज क्लियर दैट PSBs विल नीड टू टेक हेयरकट्स ऑन करंट एक्सपोजर्स अंडर एनी रेजोल्यूशन प्लान एग्रीड विद इन और आउटसाइड द IBC। द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक आर इन डायलॉग टू प्रिपेयर अ पैकेज ऑफ मेजर्स to enable the PSBs to shore up requisite capital in a time-bound manner. दरअसल बैंकों का फंसा कर्ज चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। RBI गवर्नर ने कहा कि 9.6% पर पहुंचा फंसा कर्ज स्वीकार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोरखपुर से दिमागी बुखार को जड़ से मिटाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई अभियान पर जोर दिया है। उन्होंने स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि गंदगी के मामले में सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है।
इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज गोरखपुर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज में मारे गए बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए बच्चों की मौत के हादसे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। कांग्रेस ने अस्पताल में बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी लापरवाही के कारण ये हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गंदगी को दूर करके ही बीमारी से बचा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंदगी दूर होगी तो इंसेफेलाइटिस भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के दौरे पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष की यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया। इस स्वच्छता के महत्व को लखनऊ में बैठा हुआ कोई मुझे लगता है सहजादा नहीं जान पाएगा। दिल्ली में बैठा हुआ कोई युवराज इस स्वच्छता अभियान के महत्व को नहीं समझ पाएगा। वे लोग आकर के गोरखपुर उनके लिए पिकनिक स्पॉट बने, हमें इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी को भी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। गोरखपुर और आसपास के कई इलाकों में जापानी इंसेफेलाइटिस का काफी असर है। पिछले दिनों गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 71 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके पीछे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होना बताया गया था। लेकिन घटना के बाद राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए बच्चों की मौत के लिए दिमागी बुखार को जिम्मेदार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जापानी बुखार से हर साल देश में कई लोगों की जान चली जाती है। आइए देखते हैं कैसे ये बीमारी फैलती है और क्या नुकसान इसमें होता है। ये सच है, मच्छर के काटने पर होने वाली जिस जानलेवा बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं उसे मस्तिष्क ज्वर यानी जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। एशिया में हर साल ये बीमारी करीब 50,000 लोगों को अपनी चपेट में लेती है, जिनमें 15,000 की जान चली जाती है। मानसून में संक्रामक मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। इस मौसम में भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी का अब तक का सबसे भयावह रूप 1988 में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में इसके 4,485 मामलों में से 1,413 मरीजों की मौत हो गई। मस्तिष्क ज्वर के लक्षण 3 चरणों में दिखते हैं। पहले चरण में बुखार, गर्दन में अकड़न, हरारत, चिड़चिड़ापन और बेहोशी आ सकती है। दूसरे चरण में यह बीमारी दिमाग पर असर डालती है और सिर में तेज दर्द होता है। तीसरे चरण में दिमाग की कोशिकाओं और न्यूरॉन्स पर घातक असर पड़ सकता है। इससे लकवा, बोलने में परेशानी, दिमागी गड़बड़ियां और आंखों का लकवा भी हो सकता है। दिमागी बुखार बच्चों को ज्यादा शिकार बनाता है। द इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर एंड हेडेक एंड मे बी समटाइम्स इवन वॉमिटिंग and gradually it advances into further symptoms like fits or unconsciousness. The virus has a kind of friendship with pigs and water birds in that area. And there this virus multiplies and the mosquito goes and bites the pigs containing the virus and then the mosquito becomes infective and now it can go and bite a human being. And then the human being gets affected. इंसानों में दिमागी बुखार क्यूलेक्स और कुछ हद तक एडीज और एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों के जरिए फैलता है। ये मच्छर ठहरे हुए पानी, खेत, गड्ढों और तालाबों में पैदा होते हैं। इंसान खुद दिमागी बुखार का संक्रमण नहीं फैलाता। इसकी रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन एक बार बीमार पड़ने के बाद कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। बीमारी की रोकथाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे बचने के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है। उनके पैदा होने वाली जगहों की सफाई, मच्छर रोधी लेप का इस्तेमाल, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना कारगर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। यहां बच्चों में मस्तिष्क ज्वर के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में गोरखपुर में 85 करोड़ रुपए की लागत से एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में तलाशी अभियान शुरू किया।
इसमें ज़िले के 10 गांव शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की खोजबीन के लिए अभियान शुरू किया है। उन्हें इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। शोपियां ज़िले के अलावा भी दक्षिण कश्मीर के 5 इलाकों में ऐसे ही अभियान चल रहे हैं। दार्जिलिंग में आज एक धमाका हुआ। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन के दौरान ये इस तरह की पहली वारदात है। आज वहां अनिश्चितकालीन बंद का 66वां दिन था। ये धमाका चौ बाजार इलाके में एक मोटर स्टैंड के पास हुआ। उस वक्त वहाँ पुलिस गश्त पर थी। पुलिस ने इसमें गोरखालैंड समर्थकों का हाथ होने का शक जताया है। दार्जिलिंग रेंज के आईजी मनोज वर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बिजली संयंत्र से विस्फोटक चोरी होने की खबर आई थी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। देश को कई राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बिहार में हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां बाढ़ की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में नेपाल से सटे जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है, जबकि असम और बंगाल में भारी बारिश नहीं होने से, यानी कि बारिश थमने से थोड़ा सुधार जरूर दर्ज हुआ है। देश के 4 बड़े राज्यों समेत कई अन्य राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में 250 से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। इन राज्यों में नदियां भी उफान पर हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। 19 जिलों के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या 164 हो गई है। अररिया, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जैसे जिलों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित लोगों तक हवाई जहाज से राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 28 टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन इस बार का जो नुकसान है वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। और इतना तेज प्रवाह जल का अब तक नहीं हुआ, इससे हमने वहां से लौट कर आते ही कहा है कि नुकसान देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से फ्लैश फ्लड में नुकसान होता उस तरह का ही नुकसान। उधर उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 37 जिलों में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इन इलाकों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित हैं। राहत और बचाव कामों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा सेना को भी बुलाया गया है। मदद के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। आपदा में जनहानि होने पर भी जो सहायता पीड़ित परिवारों को प्राप्त होनी चाहिए वह तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बीते 24 घंटे में 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 50 से ज्यादा हो गई है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है वहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। जो एडमिशन है अभी तक पूरा फलुअर है, खाने पीने का कोई नहीं है। जो अंदर में है गाँव के अंदर इसलिए कोई नहीं है। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में बारिश में कमी आई है। करीब 10,000 लोग राहत शिविरों से अपने घरों को लौट गए हैं। राज्य के कई जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों को भी अब पानी के अंदर रहकर काम करना पड़ रहा है। असम में सीमा पर बनी कई पोस्ट पानी में डूब गई हैं। इनमें जगजीवनपुर, टीकापारा और कुटादाहा बॉर्डर शामिल हैं। बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने चीन के बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों से अमेरिकी व्यापार पर पड़ने वाले असर की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने यह जांच व्यापार कानून 1974 के तहत शुरू की है। जांच में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या चीन अनैतिक तरीके से अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिस्टम और बौद्धिक संपदा की चोरी तो नहीं कर रहा। अमेरिका को आशंका है कि चीन के इस कदम से अमेरिकी वस्तुओं के निर्यात में रुकावट आई है और नौकरियां घटी हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइथिजर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह जांच शुरू की है। अमेरिकी कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों पर एकतरफा शुल्क या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने की छूट देता है।
चीन अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों के बीच 663 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना व्यापार होता है। स्पेन में गुरुवार को हुए आतंकी हमलों के बाद अब वहां जनता उबर रही है। पुलिस ने 22 साल के एक मोरक्कन नागरिक की तलाश तेज कर दी है, जिसे हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। इस बीच आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बार्सिलोना अब हिंसा और डर से धीरे धीरे उबर रहा है। शनिवार की सुबह से ही लोग अपने सामान्य जनजीवन में लौटते नजर आए। ला रामबला की सड़कों पर पुरानी चहलकदमी लौटती दिखी। दो दिन पहले इसी सड़क पर एक वैन ने 14 लोगों को कुचलकर मार डाला था। इस घटना में 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। लोगों ने हिंसा और आतंक को साफ संदेश दिया कि स्पेन अब खौफजदा नहीं है। Están haciendo, yo creo que a nosotros nos corresponde llenar las calles de vida y realmente darle la normalidad pues que se merece la ciudad, una ciudad que es internacional y que no debe dejar de serlo, y por tanto el miedo yo creo que tiene que quedar aparcado. इससे पहले शुक्रवार को हजारों लोग बार्सिलोना के प्लाका डी कैटालोनिया में मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां पहुंचने वालों में स्पेन के राजा फिलिपे द सिक्स्थ और प्रधानमंत्री मारियानो राजोए भी थे। Of course, it's a moment to respect victims and give support to families and friends that are suffering. And I think that our message today in Barcelona, even under shock, is that we want to keep being a city of peace, of tolerance and democracy and human rights. शुक्रवार की रात भी हाथों में मोमबत्ती लिए लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मामले में 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 22 साल के यूनस अबू याकूब नाम के एक शख्स की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने कैम्ब्रल्स में मारे गए 3 संदिग्धों के नाम भी जारी किए हैं। ये हैं मूसा उकबेर, सैद आल्ला और मोहम्मद हिचामी। सभी मोरक्को के रहने वाले हैं। मूसा के भाई ड्रिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Un accidente en ese sentido proverbial que se debió producir ha evitado pues que realmente el daño, a pesar del mucho que han producido, hubiese sido mayor, porque probablemente estaban buscando otro tipo. स्पेन के बार्सिलोना और कैम्ब्रल्स में गुरुवार को इन आतंकी हमलों में जख्मी लोगों में कुछ की हालत गंभीर है। स्पेन के किंग फिलिपे ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल भी जाना। इस बीच पूरी दुनिया स्पेन के साथ खड़ी नजर आ रही है। भारत समेत जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देशों ने स्पेन से हमदर्दी जताई है। Über 30 Nationen sind hier betroffen mit Opfern. Das richtet sich gegen die freie Welt, gegen das, was wir unter einem demokratischen Zusammenleben verstehen. Und wir werden sozusagen auch zusammenstehen. Aber natürlich wollen wir auch schauen. L'image qu'a donné l'Espagne ce matin sur la place de Catalogne ici est une image extrêmement forte d'unité d'un pays, mais aussi au-delà de l'unité d'un pays, l'unité. इन हमलों में मारे गए और घायल लोग 34 देशों के हैं। फ्रांस, जर्मनी समेत पाकिस्तान और फिलीपींस के नागरिक हमलों का शिकार हुए। स्पेन में इससे पहले 2004 में हमला हुआ था। मैड्रिड की ट्रेनों में हुए धमाकों में उस दौरान 191 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर फिनलैंड में शुक्रवार को हुए हमले मामले में पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक टुर्कू में हुए इस हमले के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस को मोरक्को के एक 18 साल के शख्स की इस मामले में तलाश है। शुक्रवार को टुर्कू में एक शख्स ने आम लोगों पर चाकू से हमला किया था। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 8 घायल हो गए थे। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।